जय हिंद दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी। सभी का इस प्यारे से मंच पे आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। जितना भी आप देख रहे हो दोस्तों कि एसएससी जीडी 2024 के लिए बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, देर रात तक पढ़ते हैं, तो आपको पढ़े हो, कितना पढ़े हो, कितना नहीं पढ़े, उसका एक टेस्ट तो लगा के देखो। यानी कि जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है, ये आपके लिए जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन में आपको कम से कम पता कर रहा है कि हमारे जीके में क्या स्कोर बन रहा है। यानी कि ये संभावित प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। देख सकते हो इसमें कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित है ये भाई। जिस प्रकार से आप जब परीक्षा दे के आओगे, जिस उस लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप की इस टेस्ट सीरीज में प्रश्न रखे हैं। तो सारे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और डेली इसी प्रकार से मॉक टेस्ट 1 2 3 आपको सारे मिलते रहेंगे, इसी प्रकार आप बने रहें। तो अपने मॉक टेस्ट का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने नजर आ रहा होगा। देखिए इस मॉक टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है। जो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य वो किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो हरे कबूतरों के लिए फेमस है, तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कॉपी पेन साथ रखिए। कम से कम आपके 20 क्वेश्चन में से लगभग 16 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तभी आपका जो जीके या जीएस का स्कोर बनेगा वो किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपको 2024 में अपने माँ बाप का सपना यानी कि अपनी ज्वाइनिंग आप ले लोगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करोगे। तो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो हरे कबूतरों के लिए फेमस है, ये राजस्थान के अलवर में पड़ता है। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हो कि राजस्थान, राजस्थान ऑप्शन में ना मिले तो आपको अलवर मिलेगा। क्या मिलेगा, अलवर जिले में पड़ता है। ये आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन इसका क्या राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले प्रश्न को देखिए इसी प्रकार आप, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया, सॉरी देखिए, वसा और तेल में घुलनशील। अब वसा और तेल में घुलनशील विटामिन कौन से, देखो वसा और तेल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन से, देखो आपने देखा होगा विटामिन एक तो बी होता है, विटामिन एक सी होता है, तो विटामिन ए और आपके डी ई और के, तो ये दो श्रेणियों में रखे जाते हैं। जो विटामिन होते हैं बी और सी, ये पानी में घुलनशील है, किसमें भैया, पानी में, जबकि विटामिन ए हो गया, डी हो गया, विटामिन ई हो गया, के हो गया, ये सारे विटामिन किस में घुलनशील होते हैं, वसा यानी कि फैट यानी कि ऑयल में आपके ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका बी यानी कि ये तो जल से हो जाएगा, फिर आपके जल से हो जाएगा, विटामिन सी आपके किस से हो जाएगा, जल से, जबकि विटामिन ए की अगर बात की जाए तो आपका उत्तर संख्या क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर आपके 2 का राइट उत्तर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। तो ये मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं भैया, 20 में से कितने, पूरा देखना अंत तक, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न को, नेक्स्ट पर्सन को, नीली क्रांति का संबंध किससे। अब नीली क्रांति की अगर बात की जाए तो दोस्तों नीली क्रांति, नीली क्रांति का जो शब्द है ये किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति आपके, हाँ, कैरोसिन, नीला है, हीरा, मछली, या आपके एरोनोटिक्स, तो नीली क्रांति। तो नीली क्रांति सभी ने पढ़ा होगा, जैसे सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, हरित क्रांति आपके फसल के लिए, तो उसी प्रकार से जो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, और मछली पालन में विश्व का भारत में कौन सा स्थान है, यानी कि दूसरा स्थान है, लेकिन विश्व में पहला स्थान किसका आता है, चीन का आता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट उत्तर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी। तो इस प्रकार से आपको देखने 20 क्वेश्चन में आपके कितने राइट होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, सॉरी माफी चाहता हूँ, अगले प्रश्न को देखिए। हाँ, डब्लू डब्लू प्रश्न अच्छा है कि डब्लू डब्लू पर हाइपर टेक्स दस्तावेज डैश के रूप में जाने जाते हैं। अब ये डब्लू डब्लू क्या चीज़ है, तो आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। ये किसके लिए जाना जाता है, ऑप्शन में दिया गया है, ये क्या वेबसाइट बनाने के लिए जाना जाता है, या होम पेज के लिए जाना जाता है, या हाइपर लिंक के लिए जाना जाता है, या वेब पेज के लिए जाना जाता है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे जो वेब पेज होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है ना डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर डॉट HTTP, इस प्रकार आप किसी को सर्च करने के लिए काम में लेते हो। तो ये इसका ये राइट जो उत्तर बनेगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का जो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों, अगले प्रश्न में देखिए फटाफट से, नेक्स्ट प्रश्न में, तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया, निम्नलिखित में से, हाँ, कब गंगा, अब गंगा नदी के ऊपर बाढ़ नियंत्रण आयोग
पटना की स्थापना की थी। अब गंगा की सफाई या गंगा में बाढ़ नियंत्रण जो भी एक सफाई से संबंधित जो कार्यक्रम चलाया गया, इसका जो स्थापना की गई कहाँ पे की, पटना में की गई, किस वर्ष की गई थी ये पूछा गया है। तो अप्रैल 1955 में, अप्रैल 1972 में, अप्रैल 1996 में या मार्च 1971 में। तो राइट इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से अपनी कॉपी पेन में रखें, मॉक टेस्ट चल रहा है। तो क्वेश्चन संख्या कौन सा आपके 5वां, क्वेश्चन संख्या कौन सा आपके 5वां। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो याद रखना 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 1972 को। तो 18 अप्रैल 1972 को आपको ध्यान देना है कौन सा चलाया गया था। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। तो यानी कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना कब की जाती है, 1972 में। 1972 में याद रखना भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता किया था जिसका नाम क्या था, शिमला समझौता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अपने, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया गया देखिए भाई साहब, अगला प्रश्न क्या कहता है, अच्छा प्रश्न है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग डैश को कहा जाता है। तो इनमें से वह कौन सा नेशनल हाईवे सड़क है जिसके मार्ग को शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि शेरशाह सूरी को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो यहाँ का जो राइट उत्तर है वो बताना आपको, NH7 को, NH8 को, NH4 को या NH1 को। तो नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है, नेशनल हाईवे 44 ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे, और सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो 327, 327 बी आपको बताना है, जो कहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन यहाँ पे शेरशाह सूरी का जो नेशनल हाईवे है वो एक और दो है, एक और दो है आपको ध्यान देना, जो दिल्ली से अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, सॉरी कलकत्ता की ओर ये जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं नेशनल हाईवे 1 और 2। इसी के मार्ग को क्या कहा जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके डी। तो क्वेश्चन संख्या आपके छठे का राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके डी। तो ये कॉपी पेन में आपको साथ रख के करना है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया देखिए, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार पूछे जा चुके हैं आपके। तो यानी कि आपको ध्यान देना है TSTCS पैटर्न के आधार पे ये सारे प्रश्न को लिए गए, संभावित प्रश्न है जो आपको 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च के जितने भी एसएससी जीडी के आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, किसी ना किसी पेपर में आपको ये सारे मॉक टेस्ट के जो सीरीज मैंने शुरू की आपके सामने। तो ये मॉक टेस्ट कौन सा नंबर का, अपना 1 नंबर का। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों। तो ये बाद में देखेंगे भैया किसके 20 में से, जिसके 20 में से 20 आएंगे दोस्तों उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट यानी कि गिफ्ट दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आपके दाते। तो दाते के द्वारा आपके क्या लिखी गई है, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रेलवे में तो बहुत बार प्रश्न आता है ये, ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, यानी कि बैंक नोट जारी करने का किसको अधिकार है, यानी कि नोटों या मुद्राओं को जारी करने का आधिपत्य किसको है। ऑप्शन में दिया गया है रिजर्व बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को या भारत सरकार को। अब आपने देखा होगा भारत सरकार में जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए की मुद्रा जारी करता है आपके वित्त सचिव, ठीक ना, वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव। लेकिन जो बैंक नोट जारी करने का, बैंकों को रोकने का, तो आपको ध्यान देना है, तो RBI बैंक 10,000 तक के नोट को जारी कर सकता है, 10,000 तक के नोट को, 2 रुपए से लेकर 10,000 की मुद्रा तक को ये जारी कर सकता है, कौन, RBI। तो यानी कि प्रश्न संख्या आपके 7वें का क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। कई बार ये भी पूछा जाता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, जबकि RBI की स्थापना की गई थी 1935 में। वहीं पे बात की जाए तो RBI का जो हेडक्वार्टर पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, मुंबई में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, मुंबई में, ही आपको ध्यान देना है। और अगर बात की जाए कि जो RBI बैंक है, इस RBI बैंक का वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है भैया, शक्तिकांत दास। तो RBI बैंक, तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, RBI बैंक को कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय भी कहां पड़ता है, मुंबई में। आप बताओगे स्टेट बैंक मुंबई की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को, इंपीरियल बैंक के नाम से इसे पहले जाना जाता था दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि
भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार किसको है? तो आप बोलोगे भारतीय रिजर्व बैंक को। एक प्रश्न पूछता हूं, सबसे पहले बैंक नोट जारी किस देश ने किया था? सबसे पहले बैंक नोट जारी किसने किया था? तो सबसे पहले बैंक नोट जारी किस देश ने किया था, ये आपको बताना है। अगले प्रश्न में देखिए, भारत और यूके के बीच इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया गया। तो भारत और यूके के बीच में जो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया गया, ये किनके द्वारा किया गया था? ये वायु से भूमि की ओर किया गया, आपके वायुसेना से आपकी भूमि की ओर, या वायु से जल की ओर, या वायु से वायु किया गया, यानी कि नाम क्या दिया गया इसमें? भारत और यूके के बीच यूनाइटेड किंगडम, और ये इंद्रधनुष एक सेना अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास। तो ये आपके शुरू या जो किया गया था, ये कैसे किया गया था? एयर टू एयर यानी कि वायु से वायु। तो क्वेश्चन संख्या 8 का आपका राइट उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया, अच्छा ही शानदार वह प्रश्न आपके लिए। देखिए प्रश्न को, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार सरल कानूनी अधिकार है? अब भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का जो अधिकार है, आपने पढ़ा होगा कि सर ये पहले जो संपत्ति का अधिकार होता था, ये एक मूल अधिकार होता था, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया, और आज इस कारण आज वर्तमान में जो हमारे मूल या मौलिक अधिकार है, ये 6 बच्चे। कौन से बच्चे? 6 बच्चे आपके, जो समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के, धार्मिक, शिक्षा का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 है। लेकिन संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया, जिसे वर्तमान में आपके एक समान कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया आर्टिकल आपके 300A में, आर्टिकल 300A के अंदर इसको रखा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान देना दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, कि वह बंदरगाह क्या दिया गया है, कि वह बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। अब आपको पता होगा कि भारत के दोनों ओर, आपके जो दक्षिणी भारत, उसके दोनों ओर जलीय क्षेत्र लगता है, एक साइड अरब सागर, एक साइड बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और ये दोनों जो समुद्री क्षेत्र हैं, ये किसके हैं? हिंद महासागर के हैं। तो यहाँ पे बोला कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को, किस पोर्ट को कहा जाता है? जो हमारे पास बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है आपके? 13 बड़े बंदरगाह, छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 से अधिक बंदरगाह। तो वह बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है दोस्तों, वो ध्यान देना, वह आपके मारमा गोवा है, या मंगलूर है, या मुंबई है, या कोची है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सारे पर्सन इंपोर्टेंट आपके लिए। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, यानी कि कोची को अरब सागर की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है, ये आपको ध्यान आ। और कोची ये कहां पड़ता है आपको? वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। तो कोची कहां पड़ता है आपके? केरल में। कहां पड़ता है? केरल में। अगले पर्सन को देखिए, नेक्स्ट पर्सन में क्या दिया गया, नेक्स्ट पर्सन को देखिए आप फटाफट से। हाँ, अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है, लगाइए। अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, अगर स्वास्थ्य दिवस की बात आ जाए ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस, खाली विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात की जाए, तो हमें बताना पड़ता है 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस। लेकिन यहाँ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की बात कर रहा है, जो आपके 22 सितंबर को बनाया जाता है, 3 जनवरी को बनाया जाता है, या 12 दिसंबर को बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये इस प्रश्न का जो राइट उत्तर आएगा वह 12 दिसंबर को। तो दिसंबर में आपको 3 दिवस याद रखने, एक तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस आपको बताना है, 4 दिसंबर को तो आपको याद रखना है नेवी डे यानी कि नौसेना दिवस, और एक आपको ध्यान देना है कि सुशासन दिवस, सुशासन दिवस कब आता है? 25 दिसंबर को। और वैसे बहुत सारे दिसंबर में है, जैसे 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस हो गया, 16 दिसंबर को विजय दिवस हो गया, और आपके जो झंडा दिवस आता है वो कब आता है? 7 दिसंबर को या 8 दिसंबर को, कमेंट करें सारे। और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा ही प्रश्न आपके लिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा अधिकार से संबंधित है, यानी कि अब शिक्षा से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, शिक्षा से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल? आपने देखा होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों से आपको कारागार में नहीं भेजना, यानी कि फैक्ट्री वगैरह, तो शोषण का विरुद्ध हो रहा है, उसको आप क्या कर सकते हो? प्राथमिक शिक्षा दिला सकते हो। इसके लिए आप RTE पढ़ते हो, यानी कि राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात की गई है, जिसके लिए हम आर्टिकल किसको पढ़ते हैं आपके? आर्टिकल 21 को, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार में इसे पढ़ाता है। तो आर्टिकल आपका कौन सा बच जाएगा? 21 में, जिसमें हमें क्या होता है? जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार, आपको लव मैरिज करने का अधिकार भी किस में? आर्टिकल 21 में है, ये ध्यान देना। कभी कर मत लेना, पहले आप पेपर की तैयारी करो, पेपर में लग जाओगे, कहीं पे सेट हो जाओगे, तो अपने आप लड़की आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को देखिए। भारत में हरित क्रांति डैश वर्ष में शुरू की थी, तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ये कब की गई थी? भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो आपको याद रखना, M.S. स्वामीनाथन। और भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत, ध्यान देना आपको, 1960
1967 से लेकर 1968 में भारत में हरित क्रांति दो चरणों में शुरू की गई थी। कितने चरणों में? दो चरणों में, एक तो 1967 और एक आपके 1983, 1983 से 1984, इन दो चरणों में हरित क्रांति को शुरू किया गया था, आपको ध्यान देना है। अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। देखते हैं फटाफट से, मॉक टेस्ट चल रहा है अपना। देखिए, सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे घनी आबादी किस महाद्वीप की है? अच्छा प्रश्न है। तो घनी आबादी का मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से आपको बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एक महाद्वीप ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या नहीं रहती, जिसे जन सुनने महाद्वीप के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो घनी आबादी वाला उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो घनी आबादी वाला जो आपके महाद्वीप है तो वो आपको बताना है एशिया, कौन सा है दोस्तों? एशिया। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। सबसे कम जनसंख्या वाला पूछे तो ऑस्ट्रेलिया बताना है, सबसे कम वाला पूछे तो। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम बताना है। तो भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो आपको ध्यान देना, ये 50वें नंबर के, कौन से नंबर के हैं? ये 50वें नंबर के हैं, जिनका नाम आता है आपके डी वाई चंद्रचूड़, यानी कि हाँ वाई डी चंद्रचूड़ के ये क्या आते हैं? बेटे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका नाम है। ये सुप्रीम कोर्ट के 50वें नंबर के, कौन से नंबर के भैया? 50वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आप बोलोगे दे सर भारत का राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश हो चाहे आपके अन्य न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट में, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप बोलोगे सर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछा है तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 बतानी है, लेकिन कार्यरत वर्तमान में 26 ही कार्यरत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फिर मॉक टेस्ट नहीं लगेगा। आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा डिटेल हो गई। देखिए प्रश्न में क्या दिए गए, तो आप बता सकते हो कि डिटेल या थ्योरी कंसेप्ट या क्वेश्चन टू आंसर कमेंट करके बता सकते हो। सर क्वेश्चन टू आंसर चलने दो, या हर क्वेश्चन को आप एक ब्रीफ नॉलेज हमें दिए। देखिए, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत तो बाल श्रम को समाप्त करने कर दिया गया, यानी कि बाल श्रम को समाप्त कर दिया गया। तो बाल श्रम आपके शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 के तहत, तो आर्टिकल 23 के तहत, यानी कि तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आपके बी, शोषण के खिलाफ अधिकार, जिसमें आर्टिकल आपके 23 और 24 को शामिल किया था। 24 में बालकों से आपको काम नहीं करवाना, उनको क्या दिलवानी है? शिक्षा दिलवानी है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिए गए? नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया था? यानी कि विश्व जो जल दिवस है ये आपको ध्यान है। तो यानी कि 3 दिवस आपसे बहुत पूछता है, एक जल के लिए याद रखना, एक पृथ्वी के लिए याद रखना, और एक आपके जैव विविधता। जैव विविधता, तो जैव विविधता, तो जैव विविधता की अगर बात की जाए तो इसको ध्यान देना 22 मई को, इंपोर्टेंट पर्सन है तीनों, 22 मई को। पृथ्वी की बात करें तो 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। वहीं पे जल की अगर बात करें तो 22 मार्च को। तो कब मनाया था ये? 22 मार्च को। तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आपके ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 31 मई का प्रश्न अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू तंबाकू निषेध मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट, हिमनद के निक्षेपों की लंबाई कटक कहलाती है। हिमनद के निक्षेपों की जो लंबाई है उस कटक को हम क्या बोलते हैं? हिमनद से जब कोई नदियां एक बहती है दोस्तों, वो अपना एक अपसाद को इकट्ठा करती है, उस अपसाद वाले क्षेत्र को ही हम क्या बोला जाता है? मोरा इंस, मोराइंस कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? मोराइंस, हिमनद। और भारत का जो सबसे बड़ा जो हिमनद है जिसे ग्लेशियर बोलते हैं उसका नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद का नाम बताना, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो आप बोलोगे सर सियाचिन हिमनद है, सियाचिन ग्लेशियर, लगभग 76 किलोमीटर इसका लंबा है। ठीक है ना, अगला देखिए, अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया? तो ये थे अपने दोस्तों, नहीं एक रह गए आपके, हाँ ये लास्ट प्रश्न है। तो ये अपना मॉडल टेस्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट का फर्स्ट का एक लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं किन बच्चों के 20 में से कितने सही हुए। तो सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे सर मेरे 20 में से इतने सही हुए, मेरे 20 में से इतने सही हुए, सारे कमेंट का जवाब आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो वह बंदरगाह जिसे दीनदयाल
बंदरगाह के नाम से भी जाना था, तो दीनदयाल बंदरगाह, क्योंकि इसका पूर्व नाम क्या था, अब वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया, जो गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम क्या है, कांडला बंदरगाह। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। तो सभी विद्यार्थी इस सेशन को आराम से आपने देखा, जो यहाँ तक पहुंचा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को, इस सेशन को, इस मॉक टेस्ट को अधिक से अधिक फैलाए, जो SSC GD 2024 में अपना माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है, तो ये 20% में वो देख सकता है कि मेरी GK कितनी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी अगर 15-16, यानी कि आप ये मान के चलो अगर जिसके 10-12 से ऊपर नंबर बन रहे, वो बहुत बढ़िया तैयारी है, साथ साथ में हिंदी मैथ को भी आप लगाते चले, तो ये GK का अपना मॉडल टेस्ट या आप मॉक टेस्ट 1 कह सकते हो। मिलते हैं दूसरे में, मॉक टेस्ट 2 में, तो कमेंट करके बताना कैसा रिस्पॉन्स है। जय हिंद, वंदे मातरम।